सौरभ गर्मी की छुट्टियों में हर बार अपने नानी नाना के घर जाता है, पर इस बार की बात कुछ अलग है। इस बार उसके साथ उसकी छोटी सी नन्ही सी बहन गुड़िया भी होगी। सौरभ का मन करता है कि वह गुड़िया को नानी के घर की सारी बातें बताए, अपने साथ बाहर घुमाने ले जाए, पर वह अभी बहुत छोटी है इसलिए कुछ समझती ही नहीं है। कुछ भी कहो, बस हंस देती है या रो देती है। अरे हाँ, मामा की बेटी मनस्विनी भी तो मिलेगी वहां। वह तो एकदम रेलगाड़ी सरीखी है, बस बोलती ही रहती है, कभी चुप नहीं होती। फिर भी उसके साथ खेलना और बातें करना उसे अच्छा लगता है। सौरभ को अपने नाना नानी बहुत अच्छे लगते हैं। नाना के घर जाने पर नानी हर रोज उसकी पसंद के बढ़िया बढ़िया पकवान बनाकर खिलाती हैं और नाना जी उसे खूब घुमाते हैं, जहां कहो वहीं ले जाते हैं। इस बार भी नाना जी सौरभ और मनस्विनी को पास ही बह रही गंगा नदी के किनारे ले गए। नदी किनारे ढेर सारी नावें खड़ी थीं। एक नाव पर बैठकर वे लोग नदी के पार पहुंच गए। सौरभ ने पहली बार गंगा का तट देखा। दूर दूर तक रेत का मैदान, बालू में खेलने का मन करने लगा। दोनों बच्चे बालू में खेलते खेलते थोड़ा दूर निकल गए। मनस्विनी, देखो तो यहाँ क्या है, सौरभ ने आवाज दी। क्या है सौरभ? अरे यहाँ तो खेत है और खेत में तरबूज है। ओ माँ, वह देखो कितना बड़ा तरबूज। मनस्विनी ने आंखें नचाते हुए उस ओर इशारा किया। हाँ, ये तो बहुत बड़ा तरबूज है। इतना बड़ा तरबूज तो मैंने आज तक नहीं देखा, सौरभ ने कहा। आज तक कुछ देखा भी है तुमने सौरभ? मनस्विनी ने मजाक किया। दोनों उस बड़े से तरबूज के नजदीक चले गए। सौरभ ने आश्चर्य से देखा और सोचने लगा कि यह कितना बड़ा तरबूज है। वह अपने दोनों हाथ फैला ले तब भी उनके बीच नहीं समा पाएगा। बहुत ऊंचा, पहाड़ जैसा, हरे रंग का, गोल गोल, रेत में आधा नीचे धंसा और आधा ऊपर उठा हुआ। मनस्विनी तरबूज पर चढ़ने की कोशिश करने लगी तो फिसल गई, लेकिन उसके फिसलते ही बड़े से तरबूज के बीचों बीच एक छोटा सा दरवाजा खुल गया। ये तरबूज तो बड़ा मजेदार है, चलो अंदर चलें, सौरभ बोला। उसने मनस्विनी का हाथ पकड़ा और दोनों तरबूज के अंदर चले गए। अंदर पहुंचकर उन्होंने देखा कि तरबूज के अंदर तो पूरी एक दुनिया ही मौजूद है। उस दुनिया में सड़क भी है, घर भी है और स्कूल भी है, लेकिन सब कुछ लाल रंग का। उन सड़कों, घरों और स्कूलों में तरबूज के छोटे छोटे बीज चल फिर रहे हैं। स्कूल की कक्षा में बोर्ड भी काले की जगह लाल रंग का है और सारी किताबें भी लाल। चारों तरफ लाल रंग की दुनिया है। इस दुनिया में लोग खाते क्या हैं और पानी कैसे पीते हैं, सौरभ ने सोचा। मनस्विनी भी आंखें फाड़ फाड़ कर तरबूज की दुनिया देख रही थी। तभी अचानक तरबूज की दुनिया में बारिश होने लगी, लाल लाल पानी की बारिश। अब सौरभ की समझ में आया कि इस दुनिया के लोग तरबूज का मीठा लाल पानी ही पीते होंगे और खाते भी लाल तरबूज ही होंगे। बारिश बंद हुई तो जैसे भूकंप आ गया। पता नहीं क्या हुआ कि तरबूज लुढ़कने लगा। दोनों बच्चों ने कसकर एक दूसरे के हाथ पकड़ लिए। तरबूज के अंदर की दुनिया डोल रही थी, सब कुछ उलट पुलट होने लगा। लाल रंग के घर, लाल रंग की सड़कें और लाल रंग की नदियां भी उल्टी हो गईं। तरबूज के छोटे छोटे बीज भी उलटने पलटने लगे, पहले उल्टे फिर सीधे। तरबूज तो लुढ़कता ही जा रहा था। सौरभ और मनस्विनी भी तरबूज की दुनिया में गिरते पड़ते लाल लाल हो गए। सौरभ को अब अपनी मम्मी की याद आई और वो जोर से चीखा, मम्मी। सौरभ की मम्मी भागी भागी आई और कहने लगी, क्या हुआ सौरभ, सपना देखा क्या? देखो सुबह हो गई है, जल्दी उठो, नाना नानी के घर नहीं जाना है क्या? यह सुनकर सौरभ ने आंखें खोली और बोला,
ओह, तो मैं सपना देख रहा था। कितना मजेदार सपना था। सौरभ ने मुस्कुराते हुए माँ का हाथ पकड़ा और बिस्तर से उठ गया।